हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे हमारे इस वीडियो के लिए कमेंट भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो लगातार 10 सालों से या फिर 12 सालों से लगातार पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो एडिसन थे उन्होंने रेलवे को क्यों ज्वाइन किया था। तो हमारा आंसर है, एडिसन ज्वाइंड द रेलवेज टू अर्न सम मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। फ्रेंड्स, हमारा ये जो आंसर है वो ये है कि एडिसन जो थी उन्होंने रेलवे इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना था, इसलिए वो कुछ पैसे अर्न करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रेलवेज को ज्वाइन किया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉट इन्वेंशन वेयर मेड बाई एडिशन। हमारा क्वेश्चन है कि ये जो एडिशन थे उन्होंने क्या क्या बनाया था। तो हमारा आंसर है, एडिशंस इन्वेंशंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये लिखा है कि एडिशंस इन्वेंशंस, तो आप ये लिख सकते हैं एडिशन इन्वेंटेड। तो हम देखते हैं, एडिशन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन एंड द इलेक्ट्रिक लाइट बिसाइड मैनी अदर इन्वेंशंस। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एडिसन थे उन्होंने बहुत से अदर चीज़ें बनाई हुई थी, लेकिन उसके अलावा इन्होंने खास करके ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट बनाया था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई वाज एडिसन अवार्डेड अ मेडल। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि एडिसन जो थे उनको किस चीज के लिए अवार्ड मिला था या फिर उन्हें अवार्ड क्यों दिया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है, एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय मेकिंग 40 वार टाइम इन्वेंशंस, सो ही वाज अवार्डेड अ मेडल। फ्रेंड्स, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो एडिसन जो थे उन्होंने अपने देश के लिए इलेक्ट्रिक लाइट बनाया हुआ था, जिससे उन्हें बहुत ही हेल्प हुआ था, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के लिए, तो इसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया था। तो ये था हमारा 3 क्वेश्चन। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल। ये पूछा गया है कि जो एडिसन थे उन्हें बार बार उनके क्लास से बाहर क्यों निकाल दिया जाता था, या फिर उनके लिए क्या उनके टीचर्स सोचते थे। तो इसका आंसर है, एडिसन वाज टेकन ऑफ स्कूल बिकॉज हिज टीचर थॉट दैट ही वाज नॉटी एंड स्टूपिड। उनके जो टीचर्स थे, एडिसन के जो टीचर्स थे, वो ये सोचते थे कि जो एडिसन है वो बहुत नॉटी है और वो बहुत ही शरारती है और बहुत स्टूपिड है, इसीलिए उन्हें बार बार क्लास से निकाल दिया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर्स। फ्रेंड्स, पास्चर, आप पास्चर का मतलब समझते होंगे कि मतलब जो पास्चर होता है वो होता है चारागाह वहाँ होता है जहाँ पे हम गाय को या फिर किसी भी तरह के पशु को चराने ले जाते हैं, वहाँ पे घास होती है, उसे कहा जाता है पास्चर। तो हमारा आंसर है, द विलेज बॉय यूज टू गो टू नियर बाई पास्चर विथ दियर कैटल। द विलेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंड इन द पास्चर जस्ट लाइक अ जजमेंट सीट। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है, आंसर इसका ये है कि जो विलेज के बॉयज थे या फिर जो गांव के लड़के थे, वो इस ये पास्चर का यूज ऐसे करते थे कि मतलब वहाँ पे अपने गाय को लेके जाते थे चराने के लिए, और उन्हें एक ऐसा मिट्टी का टीला मिला जिस पे वो बैठ करके ये जजमेंट सीट पे अपनी जजमेंट किया करते थे, और वही था जजमेंट सीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज विक्रमादित्य प्रेस्ड बाय द पीपुल। हमारा आंसर,
क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते एक बार. वाई वास विक्रमादित्य प्रेस्ड बाई द पीपल. हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विक्रमादित्य थे उन्हें लोगों के द्वारा तारीफ क्यों मिलती थी. तुम्हारा आंसर देखते हैं. विक्रमादित्य ऑलवेज गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल सो ही वॉज प्रेस्ड बाई वन एंड ऑल. हमारा आंसर है कि सभी लोग यानी कि जितने भी उनके उनके राज्य में जितने भी लोग थे उनके जस्टिस से बहुत खुश हुआ करते थे क्योंकि वो हमेशा विक्रमादित्य हमेशा सही जस्टिस करते थे तो उसकी वजह से सब उनसे बहुत खुश रहते थे और हमेशा उनकी तारीफ करते थे. हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. वाई वाज किंग विक्रमादित्य सो फेमस. क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो विक्रमादित्य थे राजा विक्रमादित्य वो इतने फेमस क्यों थे. तो हमारा आंसर है किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस ही गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल. हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया कि मतलब उन्होंने हमेशा ही एकदम परफेक्ट जस्टिस किया है इसके वजह से सब उनसे खुश रहते थे और उनकी तारीफ करते थे. सेम क्वेश्चन ये भी है बट अलग है. तो हमारा क्वेश्चन है वाई वाज किंग विक्रमादित्य सो फेमस. आंसर है किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस ही गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल्स. वो हमेशा सही जस्टिस करते थे इसके वजह से वो इतने फेमस थे. अब अगला क्वेश्चन देख फ्रेंड्स. हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज जेसी ओवेंस व्हाई डिड ही विजिट बर्लिन इन द समर ऑफ 1936. फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं. हु वाज जेसी ओवेंस व्हाई डिड ही विजिट बर्लिन इन द समर ऑफ 1936. तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया कि ये जेसी ओवेंस कौन थे और वो विजिट करने के लिए समर वैकेशन में वो भी 1936 में क्यों गए. तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है जेसी ओवेंस वाज एन अमेरिकन नेग्रो ही विजिटेड बर्लिन इन द समर ऑफ 1936 टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स. फ्रेंड्स हमें बताया गया कि जेसी ओवेंस जो थे वो एक अमेरिकन नेग्रो थे. वो बर्लिन गए थे जो कि जर्मनी की राजधानी है और वहाँ पे वो जाके समर वेकेशन में पार्ट लेने गए थे वो भी ओलंपिक गेम्स में. तो हम इसलिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जेसी ओवेंस वाज एन अमेरिकन नेग्रो ही विजिटेड बर्लिन इन द समर ऑफ 1936 टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स. अगला क्वेश्चन देखते हैं. वट इज इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स. यहाँ पे पूछा गया कि ओलंपिक गेम्स में जो होती है वो क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं. तो यहाँ पे बताया है हमने द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट. यहाँ पे ये बताया गया कि ओलंपिक गेम्स में सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होता है बल्कि उसमें भाग लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. हमारा क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. यहाँ पे पूछा गया कि आधुनिक ओलंपिक गेम है उसके फाउंडर कौन है. यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक बार. हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स. ये क्वेश्चन लगभग 10-12 सालों से लगातार पूछे गए हैं तो इसलिए हम आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन आप ध्यान से जरूर देखें. तो इसका आंसर है पियरे डी कार्बटीन. इसके जो फाउंडर हैं इस गेम के वो है पियरे डी कार्बटीन. पियरे डी कार्बटीन वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. ही वॉज अ फ्रेंच बारन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ द ओलंपिक गेम्स इन 1896. हम अपने आंसर को एक बार फिर से रिपीट करते हैं. पियरे डी कार्बटीन वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. ही वॉज अ फ्रेंच बारन एंड
is responsible for the revival of the Olympic Games in 1896. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही बने रहें हमारी वीडियोस के साथ. थैंक यू.